प्रत्याशी तबस्सुम हसन पर तंज कसते हुए कहा कि वो अपने अतीत में झांके और देखे कि उन्होंने दंगा कराने में क्या क्या गुण खिलाए थे। समाजवादी पार्टी तब ये अस्तित्व पर खतरा मंडराने वाले लोग कहां चले गए थे? इन लोगों से पूछा जाना चाहिए। जब यहाँ के किसानों का शोषण हो रहा था डार्क जोन के नाम पर, तब ये लोग मौन क्यों थे? भाइयों बहनों, ये नहीं कर सकता है, ये अवसरवादिता नहीं कर सकती है। सत्ता का स्वाद चखना हो तो यहाँ के किसानों, यहाँ के नौजवान और यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा के साथ ये लोग समझौता करते थे। हमारी सरकार यहाँ के किसानों की भावनाओं के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देगी। भाइयों बहनों, अगर आपको आंकड़े देखने हैं तो हमारी सरकार ने इस वर्ष 984 करोड़ 88 लाख रुपए का अकेले किराना चीनी मिल में गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक करवाया है। 984 करोड़ 88 लाख करोड़ का। और मैं फिर आपसे कहता हूं, एक एक किसान के गन्ना मूल्य का भुगतान की जिम्मेदारी मैं लेने के लिए आपके लिए आया हूं। किसी भी किसान का गन्ना मूल्य का भुगतान हम रहने नहीं देंगे। और अगर किसी ने किसान का शोषण किया तो शोषणकर्ता का स्थान उत्तर प्रदेश की जेल होगी। जेल में पहुंचाने का कार्य किसानों का शोषण करने वालों के लिए हम लोग करेंगे।